हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सना टॉक्स एंड लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे इवनिंग शाम के बज रहे हैं 5 और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया था, ग्रॉसरी शॉपिंग की थी, तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि ट्राई तो करना ही चाहिए, तो मुझे दिख गया तो फिर मैंने मंगा लिया। मैंने कभी भी ऐसे ये वाली चीज़ें ट्राई नहीं किया और मुझे रेडी टू कुक वाली चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब खाने में अच्छा मज़ा नहीं आता है। तो चलो आज मैं यूज़ करूँगी MTR का 3 मिनट ब्रेकफास्ट वेजिटेबल उपमा, और इसकी जो रेसिपी है कुछ भी नहीं है। पानी बॉयल करना है 100 ml, मिक्स कर देना है 3 मिनट्स के लिए, रख देना है और उसके बाद इसको खा जाना है। तो चलो पहले मैं पानी रख देती हूँ, मेरे हिसाब से इसी में रख देती हूँ 100 ml तो मैं अप्रॉक्सी डाल पाऊँगी ना, मतलब फिक्स तो मेरे पास कोई वो नहीं है मतलब नापने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इतना सा पानी ले लिया है। आई होप कि इनफ रहेगा, बाकी देखते हैं। कभी कभी ना इस टाइम पे शाम को आकर मुझे भूख लगती है और समझ नहीं आता, कभी कभी क्या होता है। अभी मैं चाय ब्रेड ले लेती हूँ या कॉफ़ी, तो मैं नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, बट अब मेरा मन करने लगा है कि मैं कॉफ़ी पी लूँ, या मतलब एक्स्ट्रा रोटी होती है तो मैं वही खा लेती हूँ, या फिर अगर ये घर पे होते तो फिर मैं इनसे कुछ मंगा लेती हूँ बाहर से। बट आई नो कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट पता नहीं मुझे इस टाइम में मतलब 5-6 बजे 7 बजे से पहले एक बार ज़रूर छोटी मोटी सी भूख लगती है, और चाय भी मैं ज़्यादा नहीं पी रही हूँ, मतलब अवॉइड कर रही हूँ। तो ये बना लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, दिखाऊंगी कि कैसा बना है। और प्लीज़ आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने एक वीडियो एडिट किया है संडे रूटीन, छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, जस्ट अभी पोस्ट किया है एडिट करके। टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ अभी इतना लिक्विड है तो इसको मैं ढक कर रख देती हूँ, फिर देखती हूँ आफ्टर 3 मिनट्स की क्या होता है इसका। चलो रख देती हूँ, अदरवाइज इसकी जो सारी भाप होती है वो निकल जाएगी, ढक कर रख देती हूँ। चलो मेरा उपमा बनकर गर्म है, रेडी हो गया है, और वो देखो इसकी देखो बंदी तो नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है, शायद थोड़ा सा पानी ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं क्या है, बट ठीक लग रहा है वैसे तो। खाने में पता नहीं कैसा लगेगा, और 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं प्लेट में निकाल कर फिर देखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म सा लग रहा है। और मुझे, मैंने पहले भी बताया ना, मुझे ऐसी वाली चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतना सा निकाला है, देखती हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, और फिर हम सोचते हैं नहीं ये नहीं खाना है। मुझे बहुत डर लगता है गर्म है ना, तो जीभ में करंट आ जाएगा ज़्यादा गर्म खा लेंगे तो। अच्छा नहीं लगा, मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, मैं बोल सकता मुझे, बट ठीक है, क्या पता मेरा टेस्ट ही खराब हो रखा है, इतना भी बुरा नहीं है। यही है तो मैं फिनिश कर सकती हूँ, इतना सा लिया है, प्लेट कुछ ज़्यादा ही चमक रही है, इतना सा लिया है। इसको मैं फिनिश कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज पता नहीं मैं क्या बनाऊँगी, गोभी रखी है, मटर रखी है, शिमला मिर्च रखी है, सारी आलू के साथ वाली सब्जी रखी है, ये कुछ और बना लूँ।
प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, हमेशा ना सारी खाने की चीज़ें ही देखते रहते हैं, क्या खाएंगे क्या खाएंगे। वेजीज भी हैं इसमें थोड़ी बहुत, कुछ ज़्यादा ही चमक रही है मेरी प्लेट वैसे है। नहीं देखो थोड़ी थोड़ी वेजीज भी हैं इसमें, वैसे तो अच्छी है, हेल्दी है, सूजी है इसमें, बट फिर भी चलो फिर मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर बाद में देती हूँ। यही फिनिश होगा और नहीं होगा मुझसे। तो यहाँ पे टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं और अपनी सब्ज़ियाँ लेकर बैठ गई हूँ मैं, और आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी मटर। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हो, इस तरीके से पॉलीथीन को मैंने प्लेट के ऊपर कवर कर दिया है और अब मैं इसी में मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर लूँगी और जो कूड़ा होगा वो इसी में डाल दूँगी। अलग मैंने थाली में सब्ज़ियाँ रखने के लिए रख दी हैं और इसी प्लेट में मैं सारा कूड़ा वगैरह छोड़ दूँगी और ऐसे ही पॉलीथीन को कवर अप करके फिर मैं फेंक दूँगी। तो ऐसे आसानी रहती है ना, बार बार में कूड़ा मतलब बार बार में भरने की टेंशन नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ कट कर रही हूँ और गोभी थोड़ा सा देखकर कट करना होता है ना, क्योंकि इसमें कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। और मटर मेरी काफ़ी दिन से रखी हुई थी, मतलब 2-3 दिन हो गए इनको, और ये और दिन रखी रहती तो फिर ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो मटर भी डाल देती हूँ। तो आलू गोभी मटर मैं आज बनाने जा रही हूँ। अच्छी लगती है आलू गोभी प्लेन, आलू गोभी प्लेन भी अच्छी लगती है, आलू गोभी मटर भी अच्छी लगती है, तो दोनों तरीके की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस सब्ज़ियाँ काटने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं गोभी वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे ना हमेशा से डर रहता है। जब मैं मतलब शादी से पहले एक बार मैंने गोभी कट की थी तो उसमें ना ये कीड़ी निकल गई थी, जो कीड़ा होता है इसका गोभी का, तो जब से मुझे बहुत डर लगता है। तो इस तरीके से मैं 3-4 बार यहाँ पे मैं वॉश करूँगी और उसके बाद मैं आरओ के पानी से, साफ़ पानी से इसको बॉईल करूँगी, तो दिल को संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैंने अच्छे से वॉश किया। और इसको गर्म पानी में मतलब बॉईल, एक बॉईल आ जाए या अच्छे से पानी गर्म हो जाए तब तक मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैं तब तक कट कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि मैंने अंदर प्याज और हरी मिर्च नहीं कट की, सिर्फ मैंने सब्ज़ियाँ कट की थी। तो इसमें से मैं हरी मिर्च निकाल रही हूँ, ये इसी मतलब उसी न्यूज़पेपर के रैपर में आई थी हरी मिर्चें, तो मैंने उसी में रखी हुई थी। और आज मैं बनाऊँगी इस फ्राई पैन में सब्ज़ियाँ। मैंने एक शॉपिंग हॉल वीडियो बनाया है, जल्दी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो बस उन्हीं में से एक ये भी था। तो बस एक साइड मैंने गोभी रख दी है, पानी गर्म हो रहा है उसमें, उसी में मैंने गोभी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब मैं मोस्टली सरसों के तेल में ही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं हेल्दी होती है सरसों की, सरसों का तेल हेल्दी होता है और रिफाइंड थोड़ा नहीं होता है, तो अवॉइड कर रही हूँ। बट अभी मेरे पास है ना 1 kg, नहीं 1.5 kg रखा हुआ है, एक बॉटल में रखा हुआ है आधे से ज़्यादा, और एक और केजी रखा हुआ है। तो कितना टाइम हो गया? इसको क्या बोलते हैं? सोन पपड़ी। ये इतनी बड़ी थी, मैंने पूरी खा ली। देखो पूरी खा लो। और नहीं खाई जा रही है ये पूरी, मतलब स्क्वायर में थी। और सब्जी में सब्जी बन रही है, घुमा के आ जाओगे? और मैंने सब्जी बनने को रख दिया है, वो बन रही है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ। ये पापा जी लेकर आए थे और बहुत अच्छी यम्मी सी है, पूरी पॉलीथीन में इसी में पैक थी, फिर मैंने इसी में से निकाल ली। इतना बड़ा पीस मतलब खाया नहीं जाता और फिर हाथ में से गिर जाते, तो मैं इसी में से ऐसे खा रही हूँ। और यहाँ पे चल रहा है क्या, क्या बालवीर आता है ना वो, देखो मैं कोई सी भी लिपस्टिक लगा लूं इसमें ना सेम सी दिखती है। ऐसे कैसे यार, ऐसे ऐसे ही है, ऐसे कैसे नहीं। कल मैंने दूसरी लगाई थी तो भी ऐसी दिख रही थी, और आज मैंने दूसरी लगाई है पर थोड़ा थोड़ा कलर सेम है, कलर का फर्क पड़ गया इसमें।
मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इस फ़ोन को कलर ब्लाइंडनेस है। सब वो चला के आ गए सब्जी। बस और नहीं खाई जा रही, आप खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी, अभी रोटी बनानी है, थोड़ी देर बाद बनाएंगे। 8:15 हो रहा है। अब इसकी फ़ोन की क्लियरिटी अच्छी आती है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। मैं पूरी मत खा जाना तुम, ओके? नहीं, हम नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह भी मेरी बन गई थी और उसके बाद फटाफट से मैंने रोटियाँ बना ली और यहाँ पे बस हम दोनों खाना खा रहे हैं। और हम मोस्टली साथ ही खाना खाते हैं, आप लोगों को पता ही है, अलग अलग नहीं खाते। मैं इकट्ठे रोटियाँ बना लेती हूँ जितनी भी खानी होती हैं और उसके बाद फिर इकट्ठे खाते हैं हम। तो खाना पीना हमारा हो गया और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, किचन क्लीन करने के लिए। तो अभी मैं लास्ट बार किचन अपनी क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ स्लैब वगैरह गैस पर, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी गिर जाता है। तो इस तरीके से मैं साफ़ करके छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं सारे बर्तन क्लीन करती हूँ। बर्तन क्लीन करने के बाद ही मैं मतलब किचन को बाकी क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपना किचन का काम ख़त्म कर दूँगी और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज़।